हाय एवरीवन, मैं विकास आप सभी का अपने किचन में स्वागत करता हूँ। आज हमारे किचन में हम बनाएंगे कच्चे केले का कोफ्ता, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं कच्चे केले का कोफ्ता। बहुत इजी प्रोसेस है। तो देखिए, जो हमने सामग्री ले रखा है कोफ्ता बनाने के लिए, मसाले से स्टार्ट करते हैं। पचफोरन ले रखा है, लाल मिर्च ले रखा है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ले रखा है और हल्दी पाउडर ले रखा है, थोड़ा सा मीट मसाला ले रखा है और इधर तेज़पात ले रखा है, एक बड़ी सी मिर्च कट करके रखी है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, एक बड़ा मीडियम साइज प्याज कट कर रखा है, टमाटर एक कट कर रखा है, थोड़ा सा धनिया कट कर रखा है। और इसका दूसरा जो पार्ट है, कच्चे केले को हमने बॉयल कर लिया था मीडियम फ्लेम पर, लगभग 3 सीटी लगवाया था। उसके बाद इसका छिलका उतारा था। छिलका उतार के बॉयल नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये रिजल्ट है। और नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। देखिए, लहसुन ले रखा है और थोड़ा सा गोल मिर्च, जीरा, गरम मसाला, इलायची ले रखा है 2, और एक मिर्च ले रखा है और टमाटर ले रखा है। तो चलिए इसका पहले पेस्ट बना लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत आसान है, देखिए हम कैसे बनाते हैं केले का कोफ्ता। तो देखिए, हमने सब कुछ जार में डाल दिया है, इसका पेस्ट बनाते हैं। देखिए, हमने मसाला और जो टमाटर था, मिर्च था, लहसुन था, उसका पेस्ट बना लिया है। हमारा अगला स्टेप है, जो हमने कच्चे केले बॉयल कर रखे थे उसमें लगभग 1.5 चम्मच के आसपास बेसन डालेंगे। ये जो रेसिपी हम बता रहे हैं, इसमें 2 लोगों का सफिशियंट हो जाएगा, 3 लोग भी खा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, हमने 1.5 चम्मच के आसपास लगभग बेसन डाल दिया है और थोड़ा सा जो मसाला हमने रेडी किया था मिक्सर से, उसको डाला है लगभग 1 चम्मच। इतने क्वांटिटी के लिए लगभग 1/2 चम्मच इसमें नमक डालेंगे और 1/4 टेबल स्पून इसमें हल्दी डाल दिया हमने। अब इसको अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब तक ये मिक्स करते हैं, तब तक हमने इधर देखिए मटेरियल बिल्कुल रेडी है और हमारा तेल भी बिल्कुल हीट हो चुका है। इसमें है, इसका हम पकौड़े बनाएंगे, छोटे छोटे बॉल टाइप का। देखिए, ऐसे इतने छोटे छोटे आप देख साइज देख पा रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। ऐसे पकौड़े डालेंगे सारे और सारे पकौड़े जैसे फ्राई हो जाएंगे उसको निकालेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लगभग 1.5 मिनट के बाद एक साइड का हल्का सा सीख गया था, तो हल्का हल्का हमने पलटा है चम्मच की सहायता से। देखिए, हमारे पकौड़े ऑलमोस्ट पक चुके हैं, बिल्कुल रेड रेड हो चुके हैं। थोड़ा देर और पकाएंगे, थोड़ा सा और इसको ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। तो देखिए, बिल्कुल हमारे जो बेसन के ये पकौड़े थे केले वाले, बिल्कुल तैयार हैं। अभी इसको हम निकाल रहे हैं बाहर ऑयल से। बिल्कुल देखिए, आप कलर देख सकते हैं कैसा हो चुका है, बिल्कुल तल गया अच्छे तरीके से। देखिए, देखने में बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है, और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट इसका। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो तेल था, हम जितना ज़रूरत है उतना ही रखें, बाकी सब हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसमें पंचफोरन डालते हैं, ये स्टेप है ग्रेवी बनाने के लिए इसका। उसके बाद तेज़पात डालेंगे, एक जो मिर्च काट कर रखे थे वो डाल दिए, और इसमें लहसुन जो हमने छील के रखे हैं 2-4 पीस उसको डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन पकाएंगे, आप देख पा रहे हैं हमारा लहसुन बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब प्याज डालेंगे। अब ये प्याज है लगभग, इसको 2 मिनट के आसपास हम इसको भूंजेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जो प्याज का कच्चापन है लगभग निकल चुका है। अब इसमें हमने जो पेस्ट बना रखे थे स्टार्टिंग में, वो भी डालेंगे। ये पूरा डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से भूंजेंगे। जो हमने पेस्ट तैयार कर रखा है सारा डाल दिया इसमें, इसको अच्छे तरीके से भूंजेंगे। और इस स्टेज पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो हमने ले रखा था उसको डाल देते हैं, और इसको ड्राई होने तक इसको अच्छे तरीके से चलाते रहिएगा। ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा ढकना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो पेस्ट है इसका कच्चापन निकल जाए और पूरा पक जाए। देखिए, हम इसको ढक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट ढकेंगे, उसके बाद फिर खोल करके चलाएँगे। देखिए, इसको थोड़ा सा चलाएँगे, इसको ड्राई होने तक भूनना है अच्छे तरीके से, तभी आपका पूरा स्वाद आ पाएगा। देखिए, पेस्ट लगभग भूनते भूनते ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और जो भी मसाले हमारे बचे हुए हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और
और गरम मसाला, मीट मसाला का जो थोड़ा थोड़ा मैंने करता है, लगभग 1/4 टेबल स्पून है, और टमाटर है, जो भी इंग्रेडिएंट बचा वो सब डालना है। अभी इसको अच्छे तरीके से लगभग 5 मिनट तक भूनना है। देखिए लगभग हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, हल्का हल्का ऑयल देख पा रहे हैं आप, निकल रहा है, ये इंडिकेशन है कि मसाला आपका पक चुका है। थोड़ी देर और पकाएंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक, तो उसके बाद ये फाइनल स्टेज ही है, उसके बाद पानी डालेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमने लास्ट में जो टमाटर डाला था, टमाटर के जो पीसेस कट करके रखे थे, उसका भी छिलका लगभग उतरने लगा है, तो ये इंडिकेशन है कि टमाटर भी आपका बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, लगभग हम 400 ml के आसपास पानी डाल रहे हैं। पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि जो कोफ्ते हैं केले के ना, वो उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमने लगभग 400 ml के आसपास पानी डाला है, पानी ज़्यादा डाला है। जैसे कोफ्ता डालेंगे तो पानी को थोड़ा सा सोखेगा। केले का कोफ्ता जो जिन्होंने पहले बनाया है, जो जिन्होंने खाया है, उनको टेस्ट इसका पता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। एक बार अगर आप बना के खा लेंगे ना, तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है। और केला बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, सभी मार्केट में भी आपको मिल जाएगा कच्चा केला। देखिए जो हमने केले के कोफ्ते के लिए ग्रेवी बना रहे थे ना, उसमें उबाल आ चुकी है। अब इस टाइम पे हम गैस बिल्कुल बंद कर दिए हैं, इसमें जो भी केले के हमने पकौड़े बना रखे थे उनको डाल देते हैं, और लगभग 5 से 7 मिनट तक छोड़ना है आपको, ताकि अच्छे तरीके से पानी को सोख ले, फिर आप उसके बाद इंजॉय कर सकते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद, और अपने मित्र और फैमिली में शेयर कीजिए। केले का कोफ्ता बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।